नमस्कार मित्रों, अपना एकेडमिक फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से हम अपने वर्ल्ड जियोग्राफी सीरीज का पहला चैप्टर हमारा ब्रह्मांड तथा सौर मंडल समझेंगे। मित्रों, यह लेक्चर आपके यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने लेक्चर के प्रत्येक टॉपिक को काफ़ी सरल और बेसिक ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हमारी कोशिश यही रहेगी कि चैप्टर को हम अगले भागों में कंप्लीट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जल्दी से देख लेते हैं कि ब्रह्मांड एवं सौर मंडल के अंतर्गत हम किन किन टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई। ब्रह्मांड के शुरुआत की जानकारी के लिए हम बिग बैंग थ्योरी, नेबुला यानी निहारिका, और आकाशगंगा यानी गैलेक्सीज और तारों इत्यादि के बारे में जानेंगे। हमारा दूसरा टॉपिक होगा तारों के जीवन चक्र यानी कि लाइफ ऑफ स्टार्स। इसमें हम रेड ड्वार्फ, वाइट ड्वार्फ और ब्लैक होल इत्यादि के बारे में जानेंगे। हमारा तीसरा टॉपिक होगा विभिन्न आकाशीय पिंड जैसे ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड यानी मेटेरॉइड, क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड एवं कॉमेट अर्थात पुच्छल तारा जिसे हम धूम केतु भी कहते हैं इत्यादि के बारे में। हमारा चौथा टॉपिक होगा हमारे अपने सौरमंडल के बारे में जिसका मुखिया सूर्य ही है और सन जिसका मुखिया है, एवं जानकारी प्राप्त करेंगे इसमें आसपास के ग्रहों और उन ग्रहों के उपग्रह के बारे में। हमारा इस चैप्टर से संबंधित अंतिम टॉपिक होगा सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण। इसमें ग्रहणों के कारण एवं इनके प्रकारों का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर यानी ब्रह्मांड की शुरुआत। तो फ्रेंड्स, हम ब्रह्मांड की शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले बात निकल के आएगी कि ये ब्रह्मांड या यूनिवर्स कहते किसे हैं। तो फ्रेंड्स, ब्रह्मांड एक जटिल और विवेक से परे विषय है, फिर भी यदि इसे हमें परिभाषित करना हो तो हम कह सकते हैं कि संपूर्ण समय, संपूर्ण अंतरिक्ष एवं कल्पना से ऊपर दूरियों से बना होता है हमारा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की सीमा अनंत है, यह अपना आकार हर समय विस्तृत करती रहती है। मित्रों, इसी ब्रह्मांड के अंदर असंख्य गैलेक्सी यानी आकाशगंगाएं उपस्थित होती है। ये आकाशगंगाएं अरबों तारों से मिलकर बनी होती है। अतः साधारण शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि हजारों, लाखों, अरबों और शायद अनंत आकाशगंगाओं से मिलकर बनता है हमारा ब्रह्मांड। अब बात करते हैं इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई। तो इसके लिए बहुत से सिद्धांत दिए गए हैं जिनमें इन्फ्लेशनरी थ्योरी यानी स्फीति सिद्धांत, पुलसेटिंग थ्योरी यानी दोलन सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी यानी महाविस्फोट का सिद्धांत इत्यादि प्रचलित है। इनमें भी सर्वाधिक मान्यता बिग बैंग थ्योरी को दी गई है। तो चलिए फटाफट से बिग बैंग थ्योरी को समझ लेते हैं। तो मित्रों, बिग बैंग सिद्धांत को जॉर्ज लेमेंतेयर ने प्रतिपादित किया था। बिग बैंग थ्योरी को नासा द्वारा 2001 ईस्वी में मैप यानी माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब नामक अनुसंधान से इसकी पुष्टि की गई। और यदि इस सिद्धांत के पूर्ण व्याख्या की बात करें तो रॉबर्ट बेगुनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की। मित्रों, इस सिद्धांत के अनुसार माना गया है कि आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे हमारा यूनिवर्स निर्मित हुआ है एक अति सूक्ष्म परमाणु के रूप में एक बिंदु पर केंद्रित थे। एकाएक एक विस्फोट हुआ और विस्फोट का समय 1 सेकंड से भी कम था और विस्फोट के साथ ही बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज हुई और समय के साथ साथ इसने एक विशाल स्थान घेर लिया। इस विस्फोट को ब्रह्मांडीय विस्फोट कहा गया। मित्रों, समय यानी टाइम भी इसी विस्फोट के साथ प्रकट हुआ। धीरे धीरे इन फैले हुए एनर्जी के माध्यम से हाइड्रोजन के विशाल बादल बनने लगे।
ऐसे न जाने असंख्य हाइड्रोजन के बादल बने। इन हाइड्रोजन के बादलों को ही नेबुला यानी निहारिका कहा जाता है। नेबुला या निहारिका तारों के निर्माण का प्रथम चरण है फ्रेंड्स। आगे के टॉपिकों में हम तारों के निर्माण के बारे में अच्छे से समझेंगे। फिलहाल मैं आपको जानकारी के लिए शॉर्ट में इसे बता देता हूँ फ्रेंड। इन असंख्य तारों से मिलकर ही हमारे गैलेक्सी यानी आकाशगंगा का निर्माण हुआ है। एक बात आपको याद रखनी है कि हाइड्रोजन इस ब्रह्मांड का मूल गैस है। शायद इसीलिए इसे आवारा गैस भी कहा जाता है, क्योंकि इसी के माध्यम से विभिन्न प्रकार के गैसों का निर्माण हुआ था। तारों के अंदर भी इसी का संलयन यानी फ्यूजन होता रहता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस जो है वो हाइड्रोजन है, और इस हाइड्रोजन के माध्यम से हीलियम बनता है। और आगे हम आगे के टॉपिकों में अच्छे से नेबुला और गैलेक्सीज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नेबुला यानी निहारिका और गैलेक्सी यानी आकाशगंगा की। फ्रेंड्स, नेबुला का निर्माण हाइड्रोजन गैस के बादल के रूप में हुआ है। नेबुला एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ कुहासा या बादल होता है। मित्रों, नेबुला हाइड्रोजन के रंग बिरंगे बादल होते हैं। यू कहे तो यह तारों के निर्माण का प्रथम चरण है, क्योंकि इसी नेबुला के माध्यम से हाइड्रोजन का संलयन यानी फ्यूजन शुरू होता है और हाइड्रोजन में परिवर्तन होने लगता है, जिससे भ्रूण तारों यानी एम्ब्रियो स्टार का जन्म होता है। यही नेबुला आगे तारों का अत्यधिक निर्माण कर आकाशगंगा में परिवर्तित हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यही नेबुला जिसमें तारों का निर्माण होता है और ये आगे चलकर एक विशाल आकाशगंगा का रूप ले लेती है। तारों के निर्माण की प्रक्रिया ये हाइड्रोजन के बादल लगातार करते रहते हैं। हम सरल शब्दों में कह सकते हैं फ्रेंड्स कि निहारिका अर्थात नेबुला हाइड्रोजन का रंग बिरंगा धुंध होता है। इसमें हाइड्रोजन के फ्यूजन यानी संलयन के साथ तारे जो कि हाइड्रोजन के संलयन से प्रकाशवान और तापवान होती है, उन तारों का विकास होता है। और ये तारे जब अत्यधिक मात्रा में हो जाती हैं तो इन तारों के विशाल समूह को ही गैलेक्सी यानी आकाशगंगा नाम दिया गया है। फ्रेंड्स, हमारे ब्रह्मांड में असंख्य आकाशगंगाएं हैं जिनमें असंख्य तारे हैं। इन तारों में अधिकतर के ग्रह अर्थात प्लेनेट है और प्रकाशहीन खगोलीय पिंड भी इनकी परिक्रमा करते हैं। ये तारे अपने खगोलीय पिंडों के साथ साथ अपने आकाशगंगा के केंद्र की करोड़ों वर्ष में एक परिक्रमा करते हैं। उदाहरण के लिए हम अपने सूर्य को ही देख लें तो ये हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का लगभग 25 करोड़ वर्ष में एक परिक्रमा करता है। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के अलावा अन्य ज्ञात गैलेक्सियों में फ्रेंड्स एंड्रोमीटा गैलेक्सी, ब्लैकबर्ड गैलेक्सी, बटरफ्लाई इत्यादि आकाशगंगाएं हैं। अब आकाशगंगा के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ गैलेक्सी। तो फ्रेंड्स, आकार के अनुसार आकाशगंगा के प्रकारों की बात करें तो एडविन हबल ने इसे दो प्रकार का बताया है। फर्स्ट है स्पायरल गैलेक्सी यानी सर्पिलाकार आकाशगंगा, और सेकेंड है इलिप्टिकल गैलेक्सी यानी दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा। अब बात करें स्पायरल गैलेक्सी की तो इसमें हमारा मिल्की वे गैलेक्सी, पिन व्हील गैलेक्सी, एंड्रोमीडा गैलेक्सी इत्यादि सम्मिलित हैं। फ्रेंड्स, स्पायरल गैलेक्सी के घूमने वाली वक्राकार भुजाएं होती है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये भुजाएं वक्राकार घूर्णनशील भुजाएं हैं जो कर्व के आकार की हैं। अब दूसरा प्रकार यानी इलिप्टिकल या दीर्घवृत्ताकार गैलेक्सी के बारे में बात करें तो इसका हर भाग लगभग बराबर चमक वाला होता है। ये एक शुद्ध गोले से लेकर चपटे अंडे की तरह हो सकता है। इस प्रकार का अंडाकार गैलेक्सी में पुराने तारे ज़्यादा होते हैं और भ्रूण तारे या हम कहें कि नवजात तारे बहुत ही कम मिलते हैं। वही स्पायरल में नवजात तारे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब इलिप्टिकल आकाशगंगा के उदाहरण स्वरूप कुछ आकाशगंगाओं की बात करें
तो इसमें M49, M59, M60 या NGC-4649 इत्यादि आकाशगंगाएं सम्मिलित हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यही तक। वीडियो के अगले पार्ट में हम तारों के जन्म से लेकर उसके अंत के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट्स। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू अपना एकेडमी फॉर ऑल, देन सब्सक्राइब क्विकली एंड क्लिक द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन ऑफ आवर वीडियोज ऑन टाइम।